दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एचसी द्वारा अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद ईडी की टीम द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद विपक्षी दल के नेता एकजुटता दिखाते हुए केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं और ईडी की निंदा कर रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने एक्स पर लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, रोज जीत का झूठा दंभ भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच यह है कि भाजपा आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है और बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। महाराष्ट्र के नेता शरद पवार सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले, विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के बदले की भावना से किए जा रहे दुरुपयोग की कड़ी निंदा करता हूं, खासकर जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हों। ये गिरफ्तारी दर्शाती है कि भाजपा सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है। इस असंवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ इंडिया एकजुट है। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने लिखा, ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। गिरफ्तार होने वाले ये भारतीय गुट के दूसरे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है मोदी और भाजपा मौजूदा चुनाव में लोगों द्वारा नकारे जाने से घबरा गए हैं। दल बदल कर भाजपा में शामिल होने वाले सभी विपक्षी नेताओं को सुरक्षा और संरक्षण दिया जाता है, वे सत्य हरिश्चंद्र हैं। ये गिरफ्तारियां केवल लोगों की भाजपा को हराने, लोकतंत्र और भारतीय संविधान की रक्षा करने की इच्छा को मजबूत करेगी। वही अखिलेश यादव ने लिखा, जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जनक्रांति को जन्म देगी। एम के स्टालिन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, इलेक्शन 2024 से पहले एक दशक की विफलताओं और आसन्न हार के डर से फांसीवादी भाजपा सरकार माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके घृणित गहराई में डूब गई है। अरविंद केजरीवाल भाई को अन्यायपूर्ण निशाना बनाने के बाद एक भी भाजपा नेता को जांच या फिर गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ा, जो सत्ता के दुरुपयोग और लोकतंत्र के पतन को उजागर करता है। भाजपा सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं के लगातार उत्पीड़न से एक हताश जादू टोने की बू आ रही है। वे अत्याचार जनता के गुस्से को भड़काता है, जिससे भाजपा का असली रंग उजागर हो जाता है। लेकिन उसकी निरर्थक गिरफ्तारियां हमारे संकल्प को बढ़ावा देती हैं, जिससे इंडिया गठबंधन की जीत की राह मजबूत होती है। जनता के गुस्से के लिए तैयार रहे बीजेपी। आपको बता दें कि इस बीच सीएम केजरीवाल की कानूनी टीम ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।